1956 को उन्हें यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बाबा साहब के अनुयायी इस निवास को पवित्र स्थल मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की संरचना भारत की पहली संविधान की खुली पुस्तक के आकार में बनाई गई है, जो उन्हें समर्पित है। ये आकार ज्ञान की खोज का प्रतीक है। इस स्मारक के प्रवेश द्वार चौक पर कांस का विशाल अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। स्मारक के बाहरी हिस्से में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। स्मारक के बाहरी स्थान पर बोधि वृक्ष का रोपण किया गया है। स्मारक के मुख्य द्वार के खुलते ही विशाल स्वागत कक्ष में बाबा साहेब की स्वागत मूर्ति के दर्शन होते हैं। स्मारक के प्रदर्शनी कक्ष में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं एवं चित्रों का संकलन किया गया है। इस परिसर में पंच तीर्थों, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि एवं चैत्य भूमि का प्रदर्शन है। यहां सभी पांच तीर्थों के दर्शन का सुख एक ही जगह मिलता है। स्मारक के संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर यंत्र मानव के रूप में अपने अनुयायियों को अनमोल विचार प्रदान कर रहे हैं। We must make a political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सविता अंबेडकर व 7 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इस शांति और आध्यात्मिकता के लिए ध्यान करने के लिए स्मारक के पीछे की तरफ ये स्तूप बनाया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके हॉल में करीब 60 लोग एक साथ बैठकर विपश्यना ध्यान कर सकते हैं। संध्या के समय स्मारक के अग्रभाग को प्रकाशमय कर स्मारक की शोभा देखते ही बनती है। आंगन में लगे सुंदर फव्वारे संगीत और प्रकाश के साथ जैसे नृत्य करते हुए दर्शकों का मन मोह लेते हैं।